जिक्र न करे और कहे मैं ठीक हूँ। मैंने खुद अपने आस्ताने पर देखा एक बंदे को, उसे बताया गया कि हजरत साहब 10 मिनट में आने वाले हैं, वो जल्दी से कोने में बैठ के ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह तस्बीहां पूरी कर रहा है। तो मैंने कहा यार तस्बीहां पूरी कर, कहता सुबह जिक्र छोड़ा हुआ है, शेख आएगा फ़ायदा नहीं होगा, जिक्र पूरा करूँ, शेख की ज़ियारत करूँगा फ़ायदा नहीं होगा, जिक्र तो छोड़ा हुआ है ना आज का, तो मुर्दों की तरह देखता रहूँगा उसे तो फ़ायदा नहीं हो। मैं जिक्र तो पूरा करा सही आंधे पेन फ़ायदा कहना हो सी, जिक्र तो करा फ़ायदा हो सी। वो जल्दी जल्दी तस्बीहां पूरी करने लगा और जैसी सरकार आए तो खामोश होकर बैठ गया, सर झुका कर बैठा हुआ है, मगर वो शेख उसे बार बार देख रहा है कनखियों से, सब बैठे हुए हैं मगर वो उसे ऐसे ऐसे देख रहा है, मतलब उसका काम पूरा कर रहा है। जी हाँ काम उसका पूरा हो रहा है, क्या हो रहा है तो मैं तो नहीं बता सकता क्या। ए हाल हा सुनावण दना, हाल की बात है सुनी सुनाई न जाएगी, मुंह खोल के गावण दना, हट चम जलाया क्या करा, मुल्ला फिरन मगरूर, दिल बुग्ज ते नासूर, दिल बुग्ज ते नासूर, मुल्ला भी है नासूर भी है, मतलब इल्म पड़ गया मगर वो सख्ती न गई, नरमी ना आई, हलावत पैदा ना हुई, तो बस वो मगरूर है गरूर है, समझ रहा है कि पढ़ गया हूँ मगर पढ़ा नहीं है, वो दीन के पीछे ही पढ़ गया है। तो जब तक वो सूफियाना वज़ाइफ और औरात नहीं करता और अशगाल नहीं करता बात नहीं बनेगी। जिक्र कर, इस पर दवाम कर, तकल्लुफ है मगर बाद में नतीजा हक है, और ये जिक्र भी हक है, मुराकबे हक हैं, सारी राह के अंदर जितने काम हैं सारे हक हैं। अगर तू तकल्लुफ को छोड़ेगा समझ तूने हक छोड़ दिया, तकलीफ को अगर तू छोड़ेगा तो तूने हक छोड़ दिया, और अगर तू हक को छोड़ेगा, हक ज्यादा गैरतमंद है तेरे को ऐसा छोड़ेगा निशान भी नहीं मिलेगा तुझे हक का, और जिंदगी तेरी बर्बाद और हलाक हो जाएगी। जिक्र कीजिए, दिल को पाक रखिए और करते जाइए और बढ़ाते जाइए, दिल को पाक रखिए ताकि नमाज नमाज हो।